नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भुट्टे खाना पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले भुट्टे ले लिए हैं। तो भुट्टे जब भी मार्केट से लें तो नरम वाले ही लें, इससे जो रेसिपी है काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए मैं आपको इन्हें तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितने नरम हैं। तो सबसे पहले हमें भुट्टों को इस तरीके से तोड़ लेना है और अब हम इन्हें जो है इनके दानों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चाकू की हेल्प से एक लाइन को अलग कर लेंगे ताकि हम इसे इजीली जो है इनके दानों को निकाल सकें। तो सबसे पहले बस चाकू की हेल्प से एक लाइन को हमें निकालना है इस तरीके से, और अब हम इजीली इन दानों को आराम से निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारे भुट्टों के दानों को अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, शायद ही आपने ऐसा अनोखा तरीका देखा हो। तो चलिए फटाफट से हम सारे भुट्टों के दानों को अलग कर लेते हैं। तो बस हल्का नाखून की हेल्प से आप इन्हें निकालेंगे ना तो बहुत इजीली ये निकल जाते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे भुट्टों के दानों को निकाल लिया है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट का समय लगेगा लेकिन इजीली निकल आते हैं, क्योंकि जो भुट्टे हैं ना वो हमने नरम वाले लिए थे। तो एक हमने मिक्सिंग बोल में इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च, और अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च का फ्लेवर कम पसंद हो तो यहाँ पे आप गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि आरा रोट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आरा रोट ना हो तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी सेम वही काम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से 1/2 नींबू का जो है यहाँ पे हमें जूस डालना है। इससे रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए अब 1 चम्मच की सहायता से हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये ड्राई लग रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे इसमें मिक्स करेंगे ना तो हल्का सा जो मसाले और नमक का मॉइस्चर है ना इसमें आ जाएगा। तो पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, इसके बाद देखेंगे कि अभी ये पाउडर फॉर्म में ही है, जो दाना है ये अच्छे से कोट नहीं हुआ है। तो हल्के हाथों से पानी के छींटे लगा देंगे, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ छींटे लगाने हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे कि इन भुट्टों के दानों के ऊपर बहुत ही अच्छी कोटिंग आ गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इन मसालों और कॉर्नफ्लोर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा इन पे लगता है। तो चलिए फटाफट से तेल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे तेल को हमें हाई फ्लेम पे ही गरम करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए, आप अपने अनुसार जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उसके अकॉर्डिंग इसमें दाने डाल दीजिएगा। तो फ्लेम को हाई ही रखना है। तो इसे हम हाई फ्लेम करते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली चलाएंगे तो जैसे ही डालेंगे ना तो कॉर्नफ्लोर क्या होता है, चिपकने लगता है यानी इकट्ठा होने लगता है। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते रहेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, तो एक एक दाना बढ़िया से अलग अलग भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे चलाएंगे ताकि अच्छे से मकई के जो दाने हैं ना वो भी अच्छे से पक जाएं और इसमें सोंधापन भी आ जाए और एक एक दाना अलग अलग भी हो जाए। तो चलिए, इस तरीके से मैंने इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लिया है और देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग हो गया है। और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ना, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है ना, उससे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए, इस तरीके से हम करछी को हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और इसी तरीके से हम अपने सारे जो है फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने एक बैच बना करके तैयार कर लिया है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये नाश्ता है। क्या कभी आपने इस तरीके से भुट्टे का नाश्ता बनाया है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से हम अपना सेकंड बैच भी
सेक करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम इसे डालेंगे ना, तो आप डरिएगा नहीं कि करछी में ये चिपक रहा है या फिर इकट्ठा हो रहा है। फ्लेम को हाई रखिए और कंटिन्यूसली चलाते रहिए, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक दाना बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी ये बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी सेक करके तैयार कर लेना है। और जो भी मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताई हैं, इन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा, बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इन्हें तीन बैचेस में सेक करके तैयार किया है। फिर आप जिस क्वांटिटी में ले रहे हैं उस क्वांटिटी में आप इन्हें सेक लीजिएगा। तो चलिए भाई, हमारा ये नाश्ता तो बिल्कुल सेक करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इन्हें ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो ये मकई के दाने हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आप इन्हें इस तरीके से भी खा सकते हैं, बच्चों को तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, एज अ स्नैक की तरीके से, जैसे नमकीन होती है ना उस तरीके से हम इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम बना रहे हैं इसका दूसरा नाश्ता। फ्रेंड्स, अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहें तो आप इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिएगा और एज अ नमकीन की तरीके से कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहे तो छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े चंक्स रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर था, साथ में हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा नींबू मैं इस तरीके से स्क्रीज कर दूंगी क्योंकि इसमें खट्टा फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इस मसाला डालने के बाद में आपको किसी भी और मसाले यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही काफ़ी मसाले ऐड किए थे। तो इसे हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो लीजिए, ये हमारी बनकर के भुट्टे की चाट तैयार है। फ्रेंड्स, आपने चाट तो बहुत खाई हो, जैसे कि चना चाट या फिर फ्रूट चाट या फिर जो भी चाट आपको पसंद हो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से मक्के की चाट बना करके देखिए, सारी चाट आपको फीकी सी ही लगेंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस समय भुट्टे मार्केट में आपको हर जगह दिखेंगे। तो बस भुट्टे लाइए और इस तरीके से ये मक्के की चाट बना करके खाइए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो लीजिए भाई, इसी तरीके से मिलती है ना मार्केट में चना चाट, तो हमने आज बनाई है मक्के की ये चाट, यानी भुट्टा चाट। तो चलिए भाई, मैं तो चली इसे खाने क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल। वाओ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।